हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को डिस्कस किया था। काफी डिटेल्ड डिस्कशन था, उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट क्लास में करवा दिए जाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें डील करना है उसके साथ में। हालांकि जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस, दोनों ही क्वेश्चंस जो होता है आप लोगों को डिस्कस करा दिया गया है, मतलब उसकी थ्योरीज पढ़ा दी गई है, क्वेश्चन जो है वो करा दिए जाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास। फिलहाल हम लोग इस क्लास में बात करेंगे वैष्णविज्म, शैविज्म और शक्तिज्म के बारे में, जो कि बेसिकली लेटर मौर्य पीरियड से निकल करके आए थे। और उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में, और लास्टली एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमारा सूफिज्म बचेगा, जिसको कि हम लोग उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग करके खत्म करेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट मेडिवल इंडिया। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा देखिए, आर्ट एंड कल्चर की एक फुल फ्लेज्ड कोर्स स्टार्ट होगी फ्रॉम 16th of August, और ये 1 month की रहेगी, जहां पर आपको प्रिलिम्स ओरिएंटेड मेंस ओरिएंटेड दोनों ही करवाया जाएगा। सारे टॉपिक करवाए जाएंगे, डिटेल्ड मैनर में करवाए जाएंगे, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले सेक्ट के बारे में बात करें, दैट इज द वैष्णविज्म, या इसे भागवत संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसके बारे में पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, उसके बाद से हम लोग देखेंगे स्लाइड में क्या कुछ है। तो पहले अगर हम लोग भागवत के बारे में देखें, भागवत का मतलब हो गया कि आपका वैष्णविज्म के बारे में देखें, दिस इज वैष्णविज्म। वैष्णव को जो पूजे जाते थे, मतलब भगवान विष्णु की यहां पर पूजा की जाती थी, तो दिस इज बेसिकली विष्णु। यहां इसकी अगर शुरुआत बोली जाए तो स्टार्टिंग, तो हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ये वासुदेव ने की थी। व्हाट इज वासुदेव? वासुदेव थे जो कृष्ण थे, बेसिकली ये कृष्ण जो थे यही वासुदेव थे। कृष्ण के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, जैसे ये महाजनपदा पीरियड के थे, दिस इज महाजनपदा पीरियड में थे, और ये जो है वो 10 अवतारों में से 8वें अवतार, मतलब कि नॉट एग्जैक्टली द 8th अवतार, हालांकि इंक्लूड नहीं किया गया इनको, क्योंकि इनकी जगह बलराम का नाम इंक्लूड किया गया है, और ऐसा माना जाता है ये खुद जो है वो विष्णु के अवतार थे, इसलिए इनको कोई नाम, मतलब कि इंक्लूजन नहीं किया गया है इन द अवतार। इसके अलावा जो अरिष्टनेमी थे, अरिष्टनेमी का मतलब हो गया जो हमारे जैन तीर्थंकर है, जिसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ऐसा कहा जाता है कि ये कृष्ण के ही कंटेम्पररी थे, तो ये दोनों लोग जो है बेसिकली साथ साथ में थे, ऐसा माना जाता है। अगर हम लोग बात करें इस वैष्णविज्म सेक्ट के स्प्रेड होने की, तो बेसिकली ये जो स्प्रेड हुआ था वो लेटर मौर्य पीरियड में हुआ था, दिस इज इन लेटर मौर्य पीरियड। लेटर मौर्य पीरियड के बाद में इनफैक्ट जैसे कि राष्ट्रकूटाज हो गए या फिर चंदेल हो गए, इन लोगों ने वैष्णविज्म को फॉलो किया था। इसके अलावा साउथ में भी कई सारे और भी डायनेस्टीज थी जिन्होंने इन लोगों को फॉलो किया हुआ था। तो यहां से हमें एक आइडिया लगता है कि बेसिकली जो स्टार्टिंग है वो तो काफी पहले हो गई थी, लेकिन जो स्प्रेड थी वो लेटर मौर्यन एज में होती है। हम लोग अगर इनका भागवत के बारे में या फिर वैष्णविज्म के बारे में बात करें, तो इनका हमें कई जगहों पर मेंशन मिलता है, कई जगहों का मतलब उपनिषद में हमें मेंशन मिलता है। और वो उपनिषद कौन से हैं? ये उपनिषद आते हैं छांदोग्य उपनिषद, दिस इज छांदोग्य। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो हमारे पास कुछ पुराण्स हैं, उस पुराण्स में भी हमें जो है इनका मेंशन मिलता है, जैसे 108 उपनिषद है उसमें से छंदोग्य में जैसे मिला है, वैसे ही हमारे पास 18 पुराण है, उस पुराण में भी हमें मेंशन मिलता है। कौन से पुराण है? एक तो पुराण जो सबसे पुराना वाला है, दैट इज मत्स्य पुराण। इस मत्स्य पुराण में हमें 10 इनकार्नेशंस यानी 10 अवतार के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में नियर अबाउट 24 अवतार के बारे में पता चलता है, लेकिन हालांकि सारे अवतार के बारे में बताया नहीं गया है, द पुराण ओनली मेंशंस द नंबर, कितने नंबर हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जब गुप्ता पीरियड पढ़ा था, तो वहां पर हम लोगों ने बात किया था अमरकोश के बारे में, अमरकोश ने 39 अवतार बताए थे, तो दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन क्या चीज है। इसके अलावा ब्राह्मण के बारे में अगर बात करें, दिस इज ब्राह्मणास, ब्राह्मणास में भी ऐतरेय ब्राह्मण जो है, दिस इज ऐतरेय
ब्राह्मण जो है ये इंक्लूड करता है, ये बताता है हमें इस भागवत सेक्ट के बारे में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें किसी रॉक एडिक्ट की, दिस इज रॉक एडिक्ट या फिर इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर बात किया जाए, तो हम लोगों ने जब शकास के बारे में बात किया था तो वहां पे हम लोगों ने यूथिडेमस के बारे में बात किया हुआ था, और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि इंडियन रूलर के साथ में इनका जो है वो 36 का आंकड़ा चल रहा था, जिसके लिए कह लीजिए कि एक आपस में बैलेंस बनाने के लिए जो जो ग्रीक था उसने एक गरुड़ स्तंभ यानी गरुड़ पिलर भेजा था। तो दिस इज गरुड़ पिलर भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था, ये भेजा गया था हेलियोडोरस के द्वारा, दिस इज हेलियोडोरस के द्वारा, हेलियोडोरस के द्वारा भेजा गया था, इंडियन जो रूलर थे उनको गरुड़ पिलर भेजा गया था। और यहां से हमें पता चलता है अगेन कि यहां पर वैष्णव सेक्ट जो है वो फ्लरिश कर रहा था। दिस वॉज इन बेस नगर, दिस इज इन बेस नगर, बेस नगर में जो होता है ये स्थित है, बेस नगर में ये कह लीजिए कि मिलता है। इसके अलावा हमें महाभारत में भी इनका मेंशन मिलता है, दिस इज महाभारता, महाभारत में हमें इनका मेंशन मिलता है, भागवत गीता में मेंशन मिलता है, दिस इज भागवत, भागवत गीता में भी मेंशन मिलता है। और भागवत गीता में तो इनफैक्ट ये बताया गया है कि दिस इज इनकार्नेशन के बारे में बताया गया है कि जब जब धरती पर मतलब पाप बढ़ेगा या कोई चीज गड़बड़ होगी तो वहां पर जो है अवतार लेंगे, जो भगवान है वो अवतार लेंगे। और इस तरीके से अवतारवाद के बारे में हमें भागवत सेक्ट के बारे में हमें पता चलता है गीता से। इसके अलावा जैन धर्म की भी एक जो है, जैन रिलीजन की भी एक एपिक है या कह सकते हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट है उत्तराध्ययन, दिस इज उत्तराध्ययन, इस उत्तराध्ययन में भी जो है कृष्ण का मेंशन मिलता है। तो यहां से भी हमें जो होता है जानकारी मिलती है कि वैष्णव सेक्ट जो है उस समय फ्लरिश कर रहा था। क्लियर हो गया क्या चीज है? देखिए ये सब चीजें आप लोग मेंशन मतलब लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है वो स्लाइड्स में नहीं है, तो इस वजह से इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अगर हम लोग बात करें, वन सेकेंड लेट मी इरेज इट, या तो अगर हम लोग बात करें कि फंडामेंटल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो फंडामेंटल एलिमेंट वैष्णविज्म के दो हैं। एक है आपका अहिंसा, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, और दूसरी है भक्ति। तो जो एक तरीके से हिंदी में लिख देता हूं मैं, अहिंसा नॉन वायलेंस एंड भक्ति, ये दोनों के दोनों जो होता है वो इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स है, जहां से हमें चीजों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा देखिए वायु पुराण जो है, वायु पुराण, पुराण के बारे में हम लोगों ने बात किया था, मत्स्य पुराण के बारे में, विष्णु पुराण के बारे में, वायु पुराण में भी हमें वैष्णविज्म के जितने भी हीरोज हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। तो यहां से भी अगेन वैष्णविज्म के बारे में पता चल जाता है। जो 10 अवतार है उसके बारे में तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, 10 अवतार में कौन कौन से 10 अवतार हैं, एक तो मछली का अवतार था, फिर कुर्म का अवतार था, फिर वराह अवतार था, नरसिंह अवतार था, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, जो कि फ्यूचर में होने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ऋग वेदा में भी मेंशन मिलता है किसका, वराह अवतार का, दिस इज वराह अवतार, वराह इनकार्नेशन का अवतार दिस इज, तो इनका जो होता है मेंशन मिलता है। एंड इन फैक्ट दिस वाज वेरी फेमस इन गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर में जो होता है काफी ज्यादा फेमस था। इनफैक्ट जो है कुमार गुप्त के टाइम पे, स्कंद गुप्त के टाइम पे जो है ये वराह अवतार की जो है कई जगह पर मेंशन मिला हुआ था। तो इस वजह से अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, विष्णु संहिता एक है, दिस इज विष्णु संहिता, विष्णु संहिता में भी जो होता है वो चार देवताओं के नाम पता चलते हैं, तो फोर डाइटीज के नाम पता चलते हैं। वो फोर डाइटीज कौन कौन से हैं, एक है संकीर्षण, दिस इज संकीर्षण। देखिए हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेल में बात कर रहे हैं, बट स्टिल ये सब इंपॉर्टेंट है। संकीर्षण, प्रद्युमन, प्रद्युमन, संकीर्षण हो गया, प्रद्युमन हो गया। इसके अलावा सांब, दिस इज सांब एंड अनिरुद्ध, अनिरुद्धा। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये बेसिकली फोर डायटीज है इन द रिटन इन द मेंशन इन द विष्णु संहिता, तो ये चीज है यहां पर। इसके अलावा इन लोगों ने पंचरात्र के बारे में बात किया है, पंचरात्र का मतलब होता है फाइव बेसिक नेसेसिटीज, और ये पंचरात्र जो है ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल फिलॉसफी ऑफ वैष्णविज्म है, दिस इज प्रिंसिपल फिलॉसफी ऑफ वैष्णविज्म। इस पंच में पांच चीजें होंगी, पांच कौन कौन सी होंगी, एक बोला जाता है परम तत्व को, परम तत्व दैट इज द सुप्रीम एलिमेंट, इसके अलावा लिबरेशन दैट इज मुक्ति,
इसके अलावा युक्ति, युक्ति का मतलब वही काम करना, कंडक्ट बोलना। इसके अलावा योग, योग मतलब योग होता है, विषय मतलब संसार यानी वर्ल्ड। तो बेसिकली ये पांच एलिमेंट हैं जो इस पंचरात्र में आते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि दीज आर द फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द वैष्णविज्म। क्लियर हो गया। इसके अलावा मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज आपको पता ही है कि ये जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था, इसने इंडिका लिखी थी। इंडिका में जो है वो भागवत का मेंशन मिलता है, इनफैक्ट जो है भागवत इन द सेंस की दिस वैष्णविज्म सेक्ट का मेंशन मिलता है, और इनफैक्ट कृष्णा को इन्होंने नाम दिया था हेराक्लीज। दिस इज हेराक्लीज, हेराक्लीज इन्होंने नाम दिया हुआ था। इनफैक्ट मेगास्थनीज ने जो है वो शैव धर्म के बारे में भी बताया था, अभी हम लोग बात करेंगे जब शैव के बारे में बात करेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें जो है मेनली आपको फैक्चुअल डिटेल्स ही याद करनी है, क्योंकि ऐसा ज्यादा इसमें है नहीं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये जो वैष्णविज्म है आगे जाकर के ये भक्ति मूवमेंट का पार्ट बन गया, भक्ति मूवमेंट का पार्ट बन गया, और ये बेसिकली अलवर्स के नाम से जाने जाते थे। दिस इज अलवर्स, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अलवर्स, अल्वेराइट्स और शैवाइट्स या फिर नैनार के बारे में बात करेंगे, तो यहां से आपको एक रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगेन इसलिए ये इंपॉर्टेंट था कि आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया क्या है। अब हम लोग अगर देखें स्लाइड में वैष्णविज्म में क्या चीजें हैं, तो इट इज फोकस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ विष्णु, ये तो ऑलरेडी समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। वैष्णवाइट्स लीड अ वे ऑफ लाइफ प्रमोटिंग डिफरेंशिएटेड मोनोथेइज्म व्हिच गिव्स इंपॉर्टेंस टू लॉर्ड विष्णु एंड हिज 10 इनकार्नेशन। तो बेसिकली विष्णु और उनके जो 10 अवतार हैं उनके बारे में ये लोग वर्शिप करते हैं। इट्स बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस स्पेशली द कंसेप्ट ऑफ भक्ति एंड भक्ति योग आर बेस्ड ऑन द उपनिषद। तो ये बेसिकली उपनिषद से ये निकल करके आता है, और वो भी उपनिषद कौन से, छांदोग्य उपनिषद में हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड एसोसिएटेड विद द वेदास एंड पुराणिक टेक्स्ट सच एज द भागवत गीता एंड द पदम विष्णु भागवत पुराण। तो यहाँ पर कुछ जो होता है वो पुराण से और कुछ यहाँ पर वेदास ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है, जहां से हम लोग वैष्णविज्म के बारे में जानकारी कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें रीसेंट ट्रेंड कंटेम्प्ररी के बारे में, तो अवेयरनेस रिकॉग्निशन एंड द ग्रोथ ऑफ द बिलीफ हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया इन रीसेंट ईयर। तो अभी क्या है कि बढ़ गया है, स्प्रेड काफी अच्छा हो गया वैष्णविज्म का। एंड द गुंडीय वैष्णविज्म, ये ब्रांच जो होता है वो रीसेंट की ब्रांच है। इस वैष्णविज्म में गुंडीय वैष्णव जो है वो रीसेंट की ब्रांच है। इट इज इंक्रीज्ड द अवेयरनेस ऑफ वैष्णविज्म इंटरनेशनली सिंस द मिड 1900 लार्जली दो द एक्टिविटीज एंड ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट। तो ये हरे कृष्णा मूवमेंट बेसिकली क्या है, भागवत ही वैष्णविज्म के ही स्प्रेड को बेसिकली ये कह सकते हैं आपके हरे कृष्णा मूवमेंट है। इट हैज बीन फाउंडेड बाय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुनाथ इन न्यू यॉर्क सिटी इन 1966। तो नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, बट आप ये मूवमेंट के बारे में केवल और केवल जानकारी रखिएगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं आया। हम लोगों ने जो बेसिक्स है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट आती है शैविज्म के बारे में। यहाँ पर आप फोटो देख रहे होंगे, इस फोटो का नाम है अर्धनारीश्वर फोटो, जहां पर शिव और पार्वती दोनों की ही फोटो जो है एक सिंगल एलिमेंट में दिखाई गई है। तो यहां से आप जो होता है देख सकते हैं कि ये अर्धनारीश्वर की फोटो है। अगर हम लोग शैव धर्म के बारे में अगेन बात करें, तो इसकी जो शुरुआत हमें मिलती है, इसकी जो कह लीजिए कि स्टार्टिंग फेज मिलती है, वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिल जाती है। यहाँ पर जो है वो पशुपति की पूजा की जाती थी, और इस पशुपति के नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है शैविज्म जो है वो स्टार्ट हो गया था। जिस तरीके से ऋग्वेद में हमें कृष्णा का मेंशन मिलता है, सेम वैसे ही ऋग्वेद में हमें रुद्र का मेंशन मिलता है। दिस इज रुद्र का मेंशन हमें मिलता है। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि शैविज्म इज ऑल्सो मेंशन इन द ऋग्वेदा। इसके अलावा मेगास्थनीज ने जिस तरीके से अपने इंडिका में भागवत के बारे में बताया है, सेम वैसे ही इसने शैविज्म के बारे में भी बताया है। कृष्णा को इन्होंने जैसे हेराक्लीज बोला था, दिस इज हेराक्लीज बोला हुआ था कृष्णा को, वैसे ही शिव का भी इन्होंने नाम दिया, और शिव का नाम दिया है डायनोशियस। दिस इज डायनोशियस, और ये बोला गया है लॉर्ड शिवा को। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगेन जो होता है मेंशन काफी ज्यादा मिलता है।
हम लोगों ने एक और चीजें बात की थी कि गुप्ता पीरियड में स्कल्पचर्स वगैरह स्टैचूज वगैरह बनाए जाना शुरू कर दिए थे, और जितने भी कह लीजिए इनकार्नेशन है या मूर्ति पूजा है बेसिकली वो स्टार्ट कर दी गई थी गुप्ता पीरियड से ही। इसी गुप्ता पीरियड में बेसिकली इन शैविज्म को स्प्रेड करने के लिए ही मूर्तियां बनाई गई थी, जिसमें से एक मूर्ति थी अर्ध नारीश्वर। दिस इज अर्ध नारीश्वर मूर्ति, नारीश्वर। इनफैक्ट अगर पूछा जाए फर्स्ट मूर्ति मतलब फर्स्ट स्टैच्यू किसकी बनाई गई थी, आप बताएंगे लॉर्ड बुद्धा की। और अगर बात करेंगे शैविज्म में तो आप बताएंगे अर्ध नारीश्वर की फोटो बनाई गई थी। इसके अलावा त्रिमूर्ति की फोटो बनाई गई थी। त्रिमूर्ति का मतलब कौन? ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। तो इनका भी जो होता है वो मूर्ति, इनकी भी स्टैच्यूज वगैरह बनाई गई हैं। शैविज्म में देखिए दो तरीके की पूजा होती है। शैविज्म में दो तरीके की, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि फॉलोअर हैं लोगों के, एक है जो लिंग की पूजा करते हैं, और ये लिंग की पूजा करने वाले ही आगे जाकर के लिंगायत्स कहलाए। लिंगायत्स या फिर इन्हीं को बोला जाता है जंगम, जैसे जंगम। हालांकि अभी रिसेंट में जो होता है शैविज्म और लिंगायत में आपस में जो होती है वो टकराव हो गए हैं और दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने की बात कर रहे थे। दिस इज बेसिकली द टॉपिक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो है इस तरीके की चीजें हो रही हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन जो होता है हमें ध्यान में रखना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फिलॉसफी ऑफ लिंगायत। तो लिंगायत जो होते हैं वो लिंग की पूजा करते हैं, अवतारवाद में ये विश्वास नहीं रखते हैं, और जबकि मूर्ति पूजा करने वाले लोग होते हैं, दिस इज जो शैविज्म है जो शिव लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, और ये बेसिकली क्या हुआ, ये स्टैच्यूज की पूजा करते हैं। तो यहां से दोनों के बारे में आपको डिस्कशन समझ में आ गया होगा। लिंगायत के बारे में बात करें मतलब कि जो लिंग की पूजा करते हैं, ये सबसे पहले इसका जो मेंशन मिलता है अगेन वो मिलता है हमें मत्स्य पुराण से ही। मत्स्य पुराण से हमें वैष्णविज्म के बारे में भी पता चला था। तो मत्स्य पुराण में हमें वैष्णविज्म के बारे में भी पता चला था, जहां पर हम लोगों ने 10 अवतार के बारे में देखा था। वैसे ही शैविज्म में भी मतलब कि लिंगायत का मेंशन मिलता है मत्स्य पुराण में। इसके अलावा महाभारत में भी मेंशन मिलता है। दिस इज महाभारता में भी अनुशासन एक इनका जो कह लीजिए कि पर्व था, पर्व का मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि टॉपिक, वहां पर जो है अगेन लिंगायत की पूजा मिलती है। तो दिस इज बेसिकली अनुशासन पर्व, ठीक है, अनुशासन पर्व यहां पर जो होता है ये मेंशन मिलता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए यहां पर एक छोटा सा फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। हरिहर का नाम आप लोगों ने मे भी सुना होगा। हरिहर ने एक्चुअली यहां पर विष्णु और शिव दोनों की एक मूर्ति बनाई थी, और यहां से मतलब कि विष्णु और शिव दोनों ही मतलब बेसिकली उस फिगर में मेंशन किए गए थे, दिखाए गए थे, और वहां से हमें पता चलता है। शिव की अगर पुरानी मूर्तियों के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो मूर्ति थी, पहली जो मूर्ति थी, उसका नाम रखा गया था गुड़ी मंगलम लिंग रेन गुट्टवन। तो दिस इज गुड़ी मंगलम रेन गुट्टवन। क्लियर हो गया। दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। यहां पर कई बार पूछ दिया जाता है कि गुड़ी मंगलम रेन गुट्टवन ये किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद लॉर्ड शिवा स्टैच्यू। क्लियर हो गया क्या चीज है। इसके अलावा वामन पुराण जो है, दिस इज वामन पुराण और साथ ही साथ अष्टाध्यायी बेसिकली पाणिनि लिखा था। पाणिनि पता ही होगा आप लोगों को, ये हम लोगों ने देख रखा है। तो अष्टाध्यायी में हालांकि जो होता है वो लॉर्ड शिवा के बारे में भी मेंशन है और लॉर्ड विष्णु के बारे में भी मेंशन है। तो यहां पर जो हमें मेंशन मिलता है वो फोर टाइप ऑफ शैव सेक्ट मिलता है। फोर कैटेगरी भी आप बोल सकते हैं, दिस इज फोर कैटेगरी ऑफ शैव सेक्ट। ये फोर कैटेगरी कौन कौन सी है यहां पर देखिए ऊपर। फोर कैटेगरी में एक है सिंपल शैविज्म के बारे में, जहां पर जो होता है लोग लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं, ये उतने हार्डकोर नहीं होते हैं। दिस इज अ सिंपल, आप जैसे हम जैसे लोग ही होते हैं जो लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं। एक दूसरे होते हैं जो पशुपत संप्रदाय है, दिस इज पशुपत। पशुपत के नाम पे एक पशुपति टेम्पल भी है जो बेसिकली काठमांडू नेपाल में है। पशुपत का जो मेंशन है हमें वो महाभारत में मिलता है। महाभारत में हमें पशुपत के बारे में पता चलता है। इसके फॉलो करने वाले लोग पशुपति या फिर कह सकते हैं परशुराम थे बेसिकली। तो परशुराम को बोला जाता है कि ये जो होता है वो शैव शिवा के ही जो है एक
सॉरी शिवा के नहीं, आपके विष्णु के रूप होते हैं। तो ये बेसिकली लंगोट पहनते हैं, दिस इज लंगोट, पहलवानों को आप लोगों ने देखा होगा लंगोट पहनते हुए, तो लंगोट पहनते हैं। और इसी वजह से इनके फाउंडर का नाम दिया गया है लकुलीश, दिस इज लकुलीश, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये ध्यान में रखिएगा, लकुलीश जो होता है इसके फाउंडर है। इन दोनों लोगों का नाम तो मे बी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसके अलावा तीसरे एक और शैव की कैटेगरी है, दैट इज कापालिक, दिस इज कापालिक। कापालिक लोग होते हैं जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि दिस इज नागा बाबा, या फिर जो अघोरी टाइप के लोग होते हैं ना, जो बेसिकली शमशान घाट पे रहते हैं, जो मान लीजिए कि जो डेथ्स वगैरह हो जाती है और जिनका जो है फाइनल जो भी उनका अंतिम संस्कार वगैरह होता है वो करा करके जो उसकी राख बचती है और राख अपने शरीर पे लगाते हैं और काफी अनयूजुअल से रहते हैं, तो ये जो होते हैं इनको कापालिक बोला जाता है। इनके जो ईस्ट देव हैं, मतलब इनके जो प्राइम फोकस्ड जो डाइटी है जिनकी पूजा ये लोग करते हैं वो है भैरव, और भैरव की पूजा करते हैं इसलिए ये लोग जो होता है मांस मदिरा का सेवन करते हैं, यानी कि ये सुरापान या फिर कह लीजिए कि अल्कोहल वगैरह लेते हैं। इनका मेंशन जो होता है वो मालती माधव में मिलता है, दिस इज मालती माधव। अब ये मालती माधव किसने लिखा है, ये लिखा गया है भवभूति के द्वारा, दिस इज भवभूति ने लिखा हुआ है। तो अगेन दिस इज अ फैक्चुअल डिटेल फॉर यू याद रखने के लिए। लास्टली फोर्थ नंबर की जो कैटेगरी आती है वो कापाली के ही और हार्ड कोर होते हैं, जिनको बुलाता है काला मुख, दिस इज काला मुख। ये कालामुख जो होते हैं वो हार्ड कोर कापालिक होते हैं, मतलब कि ये लोग कह लीजिए कि जो हेड होती है, जो स्कल होती है, हड्डियों का जो ढांचा सिर का होता है, खोपड़ी जिसको बोल सकते हैं आप, उसमें ये लोग खाना खाते हैं, उसमें ये लोग पीते हैं, उसी को साथ में रखे रहते हैं और उसी को लेकर के ये लोग घूमते भी हैं। तो ये जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड कोर होते हैं, इनके हार्ड कोर होने के कारण ही इनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। तो इनका दूसरा नाम जो है वो महा व्रत धर कहा गया है, और ये शिव पुराण में इनका मेंशन मिलता है, शिव पुराण में इनको कहा गया है। समझ में आ गया क्या चीज है? तो ये हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि क्या चीजें यहाँ पर हमें चीजें मिलती हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा फैक्ट मैं कहूंगा कि आप लोग याद रखिएगा रिलेटेड विद द बुक, एंड दिस इज त्रिमुंडई, त्रिमुंडई। अब ये त्रिमुंडई वाली चीज क्या है, ये बेसिकली जो होता है एक श्लोक का संग्रह है, मतलब कि जो नयनार से नयनार जो होता है वो बोला जाता है, जो शैव भक्ति मूवमेंट के दौरान में जो शैव भक्ति करते थे उनको नयनार्स बोले जाते हैं, और ये जो है श्लोक का संग्रह इन्होंने किया हुआ है, श्लोक संग्रह, और उसी का नाम रखा गया है त्रिमुंडई। इसको कंपाइल किसने किया गया है, तो कंपाइलेशन किया गया है, यहां से नाम से सुनिएगा, कंपाइलेशन किया गया है नंबी अंडाल के द्वारा, दिस इज नंबी अंडाल, दिस इज नंबी अंडाल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बिकॉज ये अगेन मेंशन नहीं किया गया है आपके इस स्लाइड में। तो ये चीज थी पूरी की पूरी, ये पूरी कहानी जो होती है शैविज्म से रिलेटेड है। तो फटाफट देख लेते हैं स्लाइड में भी अब शैविज्म के बारे में। तो शैविज्म जो है ये रिवर्स द गॉड शिवा एज द सुप्रीम बींग, शिवा बिलीव दैट शैव इज ऑल एंड ऑल इन ऑल, द क्रिएटर प्रिजर्वर डिस्ट्रॉयर, मतलब सब कुछ जो होता है कहा जाता है कि शिवा से ही शुरू होता है और यहीं पर खत्म होता है। डिवोटी ऑफ शिवा वियर सेक्रेट ऐश, तो बेसिकली ये जो कह लीजिए कि जो डेड बॉडीज जो जलाई जाती हैं उनके ऐश को जो होता है अपने शरीर में लगाते हैं एज अ सेक्टेरियन मार्क ऑन देयर फोरहेड एंड अदर पार्ट ऑन देयर बॉडीज विद रिवरेंस। द संस्कृत वर्ड भस्म, तो ये भस्म वही है, एंड द विभूति कैन बोथ बी ट्रांसलेटेड एट सेक्रेट ऐश। इनफैक्ट सोमनाथ में जो मंदिर होती है वहां पर भस्म आरती भी होती है, आप लोगों को पता भी होगा भस्म आरती होती है वहां पर, यही होती है कि जो डेड बॉडीज या राख होती है उससे बेसिकली वो भस्म की आरती की जाती है, काफी ज्यादा मतलब फेमस है। Shaivism has a vast literature that include text for presenting multiple philosophical schools, जैसे non-dualistic अभेद हो गया, dualistic भेद हो गया, non-dual with dualism, भेदाभेद perspective। तो ये basically भेद अभेद भेदाभेद ये सब जो है वो Shaivism से related है, केवल और केवल आप लोग नाम याद रखिएगा। इनफैक्ट एक और चीज होती है जैसे कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में भक्ति मूवमेंट के टाइम पे, वहां पे मैं बताऊंगा कि रामानुज, माधवाचार्य एंड वल्लभाचार्य बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो होता है ये
पूरी की पूरी फिलॉसफी जो होती है वो प्रोपाउंड की हुई थी। तो समझ में आ गया क्या चीज है शैविज्म के बारे में। लास्ट डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं हमारा शक्ति यानी कि शाक्त धर्म के बारे में, शाक्तिज्म के बारे में। और ये बेसिकली जो होता है देवियों का है, मतलब शक्ति की देवती, इनकी देवी जो है इनकी पूजा की जाती है इस शाक्त धर्म में। इनके बारे में भी अगर इन बात करें तो ये भी जो होता है बहुत पुराना है, मतलब इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि वैदिक एज के जितना ही ये भी पुराना है। और यहाँ पर जो मेनली बातें होती है, मतलब पूजा की जाती है, वो पूजा की जाती है जग जननी की। दिस इज जग जननी की। ये जो जग जननी है ये कौन है? ये बोला जाता है माँ पार्वती को। दिस इज माँ पार्वती, या इन्हीं को बोला जाता है उमा। ठीक है, तो ये बेसिकली पार्वती अब उमा। अब सीधी सी बात है, दिस हैज रिलेशन विद द शैवाइट्स। तो शैवाइट्स के साथ में इनका बहुत ही गहरा रिलेशन मिलता है। इनफैक्ट जो महाभारत है वहां पर भी इसका मेंशन मिलता है। महाभारत में इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो तीनों लोगों का मेंशन मिल गया। कृष्ण का भी मेंशन मिल गया यानी कि वैष्णव शक्ति का भी मिल गया, इसके अलावा शैविज्म का भी मिल गया, और लास्टली हम लोगों ने देखा कि शक्तिज्म का भी मेंशन मिल रहा है। अगर बात करें यहां पर वैदिक एज में कौन कौन सी डाइटीज है, मतलब किनकी किनकी पूजा की जाती है, देवियों में किनकी पूजा की जाती है, तो पूजा की जाती है उमा की, उमा पार्वती, दिस इज पार्वती। इसके अलावा रुद्रानी, रुद्रानी हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो अंबिका, अंबिका के अलावा अगर बात करें तो हेमवती, हेमवती, या फिर भवानी, दिस इज भवानी। एक्चुअल में ये सारे के सारे एक ही हैं, पार्वती को ही अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऋग्वेद में भी, ऋग्वेदा में जो 10th मंडल है, इस 10th मंडल में भी हमें मेंशन मिलता है एक पूरे के पूरे इस शक्तिज्म के बारे में, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त बोला जाता है। दिस इज तांत्रिक देवी सूक्त। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये बेसिकली यहां पर मेंशन मिलता है। अगर आप इसको नहीं याद रख सकते हैं कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा कि शक्तिज्म का मेंशन मिलता है हमें इसी ऋग्वेद के 10th मंडल में। इसके अलावा पुराण्स में अगर बात करें तो पुराण्स में भी हमें मेंशन मिलता है, लेकिन मेंशन यहां पर केवल दो ही लोगों का मिलता है। वन इज द दुर्गा, दिस इज दुर्गा, दुर्गा डीवाजी है दुर्गा, एंड मेंशन मिलता है यहां पर काली का। तो ये बेसिकली हालांकि इन्हीं की एक जो होता है इनकार्नेशन आप बोल सकते हैं, दूसरा रूप बोल सकते हैं, लेकिन खैर मेंशन किया गया है तो आपको ये जानना जरूरी है। इसके अलावा देखिए जबलपुर में एक टेम्पल है, एंड दिस टेम्पल इज बेसिकली कहा जाता है 64 योगिनियों का मंदिर। तो 64 योगिनियों का मंदिर है और ये बेसिकली शक्तिज्म को ही रेफर करता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? शक्तिज्म की अगर प्रोफेस के बारे में बात करें कि कैसे इनकी उपासना की जाती है, तो इसके लिए दो लोग हैं। एक बोला जाता है कॉल मार्गी, दिस इज कॉल मार्गी, और दूसरे लोगों को बोला जाता है समयाचारी, दिस इज समयाचारी। इनफैक्ट यहां पर अजीब अजीब से नाम, मतलब कि समय के नाम पे ही समय माता बोल दिया जाता है, तो कई सारे इस तरीके से हैं। केवल आपको नाम याद रखना है, इसके अलावा कुछ और नाम याद रखने के अलावा कुछ और याद नहीं रखना है। तो ये थी बेसिकली पूरी की पूरी शक्तिज्म के बारे में। अगर इसके बारे में अगर डिटेल्स देखें थोड़ी सी, तो शक्तिज्म फोकस वर्शिप अपॉन शक्ति और देवी। तो बेसिकली जो होता है ये शक्ति या फिर देवी की पूजा करता है, हिंदू डिवाइन मदर एज एब्सोल्यूट अल्टीमेट गॉड हेड। शक्तिज्म रिगार्ड देवी एज द सुप्रीम ब्रह्म इटसेल्फ विद ऑल अदर फॉर्म ऑफ डिवाइनिटी फीमेल और मेल कंसिडर्ड बींग मेयरली हर डाइवर्स मैनिफेस्टेशन। इन द डिटेल ऑफ फिलोसफी एंड प्रैक्टिस शक्तिज्म रिजेंबल शैविज्म। तो अगेन वही जो बात किया गया था कि शक्तिज्म और शैविज्म के बीच में आपस में काफी ज्यादा रिजेंबलेंस है, काफी घनिष्ठ संबंध है। तो हाउएवर शक्त फोकस मोस्ट और ऑल वर्शिप और शक्ति और एज द डायनेमिक फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम डिवाइन। क्लियर हो गया क्या है? शक्तिज्म इज प्रैक्टिस थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड इन न्यूमरस फॉर्म बोथ तांत्रिक एंड नॉन तांत्रिक। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो नाम ऋग्वेद में लिखा गया है वो तांत्रिक देवी सूक्त के बारे में ही लिखा गया, तो तांत्रिक या नॉन तांत्रिक दोनों ही फॉर्मेट में जो है डिस्कस किया जाता है। एंड हाउएवर इट्स टू लार्जेस्ट एंड मोस्ट विजिबल स्कूल आर श्रीकुला, दिस इज द फैमिली ऑफ द श्री, मतलब कि श्री की फैमिली, श्री, हालांकि हम लोग और डिस्कस करेंगे श्री के बारे में,
एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द साउथ इंडिया एंड कली कुल दैट इज अ फैमिली ऑफ कली विच प्रिवेल्स इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया. तो ये बेसिकली कली कुल या फिर इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये जो दो सेक्ट जो है वो दो पार्ट में अगेन डिवाइडेड है, द स्ट्रिकुला एंड कलिकुला. और इसकी जो प्रोफेस करने की मतलब प्रैक्टिस करने की प्रीच करने की जो तरीका है या फिर कह लीजिए कि उपासना करने का जो तरीका है वो कॉल मार्गी और समयाचारी है, जिसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने देख ही लिया है. तो ये थी बेसिकली पूरी डिस्कशन हमारे वैष्णविज्म शक्तिज्म एंड शैविज्म के बारे में. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भक्ति मूवमेंट के साथ. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.